ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਪੱਲੇ ਹਿਜਰ ਸਰਾਪ ਵੇ
गलत नहीं बोला था, पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान, इसमें कितने कमरे हैं? पूरे 22 कमरे हैं बेटा। बहन की हालत तो देखो, कैसी भी आम छाई है, कि भीड़ जैसा है। बेगम, जहाँ महीनों से कोई रह ना रहा हो, वहाँ वीरानी ना होगी तो और क्या होगा। ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ।
हमें भी उसका अफसोस है, मगर अब तो आपको मालूम होगा ही कि पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। हम आपको कैंपस जाते हैं, वहां से आप हिंदुस्तान भेज जाएंगे। मैं कितना नहीं जाना, क्या मतलब कि ये मकान मेरा है। देखिए हमारे पास कागजात है, साढ़े को भी कागजात है गए हैं। आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में कोई हिंदू कैसे रह सकता है? मैं कितने नहीं जाना जब तक रतन नहीं आ जाता। रतन? देखिए हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर हकीकत यह है कि अब आपका लड़का कभी वापस नहीं आए। क्यों? तुम कोई खुदा है जरा सारी गलत तो पक्या पता हो ना है? लड़का फिर कभी वापस नहीं आएगा, लड़का कभी वापस नहीं आएगा। आगे बढ़े आपको यह मकान खाली करना पड़ेगा, ये हमें अलर्ट हो चुका है सरकारी तौर पर। मैं इधर नहीं जाना जब तक रतन नहीं आ जाता। देखिए आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम आपको समझाया देते हैं, अगर पुलिस ने आपके साथ जाते की तो हमें भी तकलीफ होगी। जो कह मेरे से कुटिया Hello.
22 कमरों की हवेली को किसी अपने सिंधी अजीज की जेब में डाल देंगे।
अरे मुहाजिरों की कभी है क्या पाकिस्तान में? कुछ समझ नहीं आता जनाब। आप किस्मत वाले हैं जो दुप्पन में इतनी बड़ी हवेली शहरे लाहौर के दिल कूचा जौहरिया में मिल गई। और आपके दुकान देते ही आप और बुढ़िया पहुंच जाएंगे कैद में और कोई सिंधी भाई इस कमरों की हवेली में तंदराता मिलेगा। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अरे कहना क्या है मिर्जा साहब, चुप बैठिए। और वो बुढ़िया? अरे साहब बुढ़िया ना हुई कोई शेर हो गया। क्या आपको खाए जा रही है? क्या आपको मारे डाल रही है? क्या आपको घर से निकल ले रही है? नहीं तो बैठिए आराम से। हाँ तो क्या उम्र बताते हैं आप? जी यही कोई 65 के आसपास होगी। अरे जनाब बुढ़िया कोई आबे हयात तो पिए हुए होगी नहीं, 2-4 साल में जहन्नुम वासिल हो जाएगी। रहिएगा आराम से, पूरी हवेली पर आपका कब्जा हो जाएगा। कसम खुदा की बिना वजह परेशान हो रहे हैं आप। वजह फरमाते हैं आप, कैसे गुजारे 2 महीने याद आते हैं तो सातों तबक रोशन हो जाते। अल अमीनो अल हबीब, अब मैं किसी कीमत पर हवेली छोड़ूंगा नहीं। मिर्जा साहब एक बुढ़िया को राहे रास्त पर ना ला सके तो फिर हद है। अभी आ जाएगी, आ जाएगी, बस वक्त लगेगा। और नहीं तो याकूब साहब से मिल लीजिएगा। याकूब? जी हाँ याकूब खान, पूरा काम बना लेंगे एक छक्के में। शहर सुनसान है किधर जाएं, शहर सुनसान है किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर शहर सुनसान है किधर जाएं। रात कितनी गुजर गई कितनी गुजर गई लेकिन गुजर गई लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाए, इतनी हिम्मत नहीं। Thank you.
आके का फायदा है, नहीं तो वो ये हवेली छीन कर किसी सिंधी अजीज को दे देंगे। वाह वाह, ये घूम रही मारे भी और रोने भी ना देंगे। अब छोड़ो ये सब, अब तो ये सोचो कि इन बहुत अरबा से कैसे निपटा जाए। ए मैं उस हराम जाति की चोटी पकड़ कर बाहर निकाल देती हूँ। हो गया किस्सा तो। और क्या, हमारे पास सारी ताकत है। नहीं, कागजात तो उसके पास भी है। लेकिन उसके कागजात ज्यादा आए हैं। क्यों भैया, अगर कोई शख्स यहाँ से वहाँ आया गया ही नहीं तो जायदाद कस्टोडी में कैसे चली गई। हम बुढ़िया को निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाके रपट लिखाती है कि वो हिंदुस्तान गई ही नहीं, तो कस्टोडियन वालों का उसकी हवेली पर क्या अख्तियार होगा। फिर क्या किया जाए। से ले जाए और कैंप पे छोड़ा है, वहां से वो हिंदुस्तान भेज दिया। तो बुलाऊं उसे। ठहरो, बात बस समझ लो। उससे ये तो कहा जा सकता है जब पाकिस्तान बन चुका है, पर पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। और उसे अगर यहाँ रहना है तो उसे अपना मजहब बदलना पड़ेगा। हो सकता है ये सोचकर वो हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हो जाए। Thank you.
कदी हल ता निकलेगा इस बेबसी दा, कदी हल ता निकलेगा इस बेबसी दा, कदी सांस छेड़े पौन मन दा, कदी सांस छेड़ेगी फिर पौन मन दा, कदी हलता निकलेगा इस बेबसी दा, जो बड़े पै ने दिलां दे वो बच कैसे गई।
मिट्टी लाट हुई है। अरे उसके बाप को लाट हुई है अमेली। अबे तू मुंडे को बुला ले आ। अजय नहीं और मत आ जाएगा। अजय की और निकलेगा। लगता तो यही है सर। लगता क्या है? पक्की गल है। सलाम अलैकुम नासिर गाजी साहब। कहीं उजड़ी उजड़ी सी मंजिल कहीं उजड़ी उजड़ी सी मंजिल कहीं टूटते फूटते से Oh,
40 साल पहला एक मेरा दिल्ली
ਕਰਾਉਣਾ। ये क्या मजाक है बेगम, हम इनसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप आगे गए गले का हार बनाए हुए हैं। ए नो, मैं क्यों लगी इन्हें गले का हार बनाने, हिदायत हुसैन की जरूरत ना होती तो गुड़िया से तो बातें भी ना करती। हिदायत हुसैन की जरूरत? जी हाँ, दोस्तों को दावत दे रहे थे। बेगम बेचारी परेशान हो रही थी, तभी रतन की अम्मा को बुलाया था, कोयले तो उठी के है ना। देखिए बेगम, उसका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक सुई तक भी उसकी नहीं है, जो कुछ है हमारा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए बेगम, अगर हम इसी तरह करते रहे ना तो एक दिन ये हवेली हाथ से निकल जाएगी, कल को इसका कोई रिश्तेदार आ गया तो देने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाएंगे? अरे जावेद ने बात कर ली है। क्या बात कर ली है? किससे बात कर ली है? वो लोग 1,000 रुपया मांग रहे हैं। क्यों? 1,000 तो बड़ी रकम है ना। अरे भैया जहन्नुम हासिल हो जाएगी। नहीं, और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं, मेरे जवान जहान बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा अजाब अपने सिर नहीं ले सकती। वो एक कांटा है बेगम, अगर निकल गया तो उम्र भर आराम ही आराम है। इसका ये मतलब तो नहीं इसका कत्ल कर दिया जाए? मैं तो हर किस तैयार नहीं थी इसके लिए। वो एक काफिर है बेगम। हाय अल्लाह, जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो छीने का क्या हक है? तो ठीक है, जैसा तुम समझ लो। नहीं नहीं, तुम्हें बच्चों की कसम, ये मत करना। तो ठीक है बेटा, अब तो तुम ही जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें बच्चों की कसम, ये मत करना। हक दी लकीर बदले वालों को बुला रहा है।
वही दिलाएंगे आपको ऊपर के मंजिल पर कब्जा। इसमें इस्लाम और कुफर कहां से आ गया? मिर्ज़ा साहब ये तुसी दस सकदे हो, ये पाकिस्तान इस करके बनया सी, ये था कब्जान। ये आप पाकिस्तान बनाने वालों से पूछिए। मिर्ज़ा साहब हम ये गवारा नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के शहर लाहौर के कुंजा जवाई हुए हैं, ये काफिर तंदर आदमी फिर आए। पहलवान साहब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने में कासिर हूं। साडा इशारा समझो मिर्ज़ा साहब, असी एक मिनट में ऊपर की मंजिल का फैसला कर देंगे। उस काफिला की जगह मोहम्मद शाह। शुक्रिया। चाहे उसे काफिले क्यों न रहे, उसी मिर्ज़ा मेरे नहीं हो सकता। जैसा तुम जानते हो इतने पाकिस्तान के अंदर किसी भी काफिले के मौजूद को कदर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। Allahu Akbar.
बेवा और बेसहारा दुनिया ना लड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र जी।